Hello students, this is another lesson of your core English. Albert Einstein at School by Patrick Pringle. ये जो स्टोरी है एक अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक फेमस साइंटिस्ट है, वे जब स्कूल में थे उस वक्त उनकी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उस वक्त से ये स्टार्ट होता है. The teacher was teaching कि how he failed in history because he does not remember the dates. जो हिस्ट्री के बहुत सारे डेट्स होते हैं हमें याद करने पड़ते हैं, वो अल्बर्ट को बिल्कुल भी याद नहीं होते थे. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने टीचर को रिप्लाई करते हैं कि what is the importance of learning dates. अगर हम लोग डेट पढ़े तो उससे क्या फ़ायदा है. We should know the facts. हमें facts पर ज़्यादा focus करना चाहिए. Because I don't like this kind of education system. मुझे इस प्रकार के education system नहीं पसंद है जहाँ सिर्फ बैठ के dates रटते रहो. तो in that class teacher insulted him. उनका insult किया जाता है. और अगर आप ज़्यादा जानते हो कि facts ज़्यादा important है तो आपका अपना education system क्या है आप ही बता दो. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो जवाब देते हैं कि कोई हिस्ट्री में अगर हम किसी वार के बारे में पढ़ रहे हैं, युद्ध के बारे में, तो उसमें कितने सोल्जर्स मर गए और वो किस डेट को हुआ था, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो युद्ध हुआ क्यों था, वाई दैट वार हैपेंड. तो हमें रीज़न पर ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, फैक्ट्स पर ज़्यादा स्टडी करना चाहिए, ऐसा मानना था यंग अल्बर्ट आइंस्टाइन का. तो फिर वो स्कूल से चले जाते हैं और उनको बहुत बंधा हुआ सा ट्रैप्ड महसूस होता है कि मैं कहाँ फंस गया, किस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ. तो वो जानते थे कि स्कूल आज तो मैं चला गया वापस, लेकिन कल तो मुझे रिटर्न आना ही है. तो ऐसे सिचुएशन में ही वॉज थिंकिंग कि हाउ आई वुड टॉलरेट द वायलेंस ऑफ आवर टीचर्स. मैं कैसे अपने टीचर्स के जो बिहेव है उसको मैं झेलूं, उनकी जो पढ़ाने के सिस्टम है. उनके फादर चाहते थे कि अल्बर्ट किसी भी तरह से अपने स्कूल का डिप्लोमा जो है कंप्लीट कर ले. और वो अब जाके वो अब अपने दोस्त से मिलता है, यूरी. उसका जो फ्रेंड है यूरी है, उसको सजेस्ट करता है कि आप एक काम करो कि क्यों ना इतने सिविलाइज्ड स्कूल में हम नहीं पढ़ के किसी ऐसे स्कूल में पढ़ें जहाँ गरीब से गरीब बच्चे पढ़ते हो और उनकी बातों का टीचर्स की नज़र में कुछ महत्व भी होता. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग इन सच सिविलाइज्ड एंड हाई फाई स्कूल. क्योंकि किसी भी टीचर को, स्टूडेंट को पनिश करना तक ठीक है, बट स्कूल से निकाल देना दैट इज़ नॉट गुड. और इस सिचुएशन में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो सोचते हैं कि वॉट टू डू इन माई लाइफ. शुड आई कंटिन्यू एजुकेशन हेयर और शुड आई लीव द स्कूल फॉर एवर. कि मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. तो अपने उनका एक कज़न ब्रदर था, उससे वो बात करता है. फिर एक और उसकी फ्रेंड थी एल्सा नाम की, उससे वो बात करता है. तो एल्सा सजेस्ट करती है कि आप एजुकेशन के बारे में जो भी सोचते हो, ये कि एजुकेशन सिस्टम आपके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, आप इसे शेयर करोगे तो वो हर कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा. तब अल्बर्ट सोचते हैं कि अब मैं इस स्कूल में बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा एंड आई मस्ट लीव दिस स्कूल. अब जो है अल्बर्ट अपनी सारी बातें अपने अच्छे दोस्त यूरी को बताता है. यूरी सजेस्ट करता है कि आप एक डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से मिलके एक सर्टिफिकेट बनवा लो और वो सर्टिफिकेट विथ एन एप्लीकेशन आप अपने स्कूल में दे दो एंड दे विल डू समथिंग. तो अल्बर्ट जो है उसी तरह से करते हैं. कुछ दिनों के बाद अल्बर्ट जो है डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर वेल उनका नाम था, उनसे मिल के
वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं और वो डॉक्टर उसे लिख देते हैं कि इनको जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम है एंड ही कैनॉट कंटिन्यू द स्टडीज इन दिस स्कूल। फिर उस सर्टिफिकेट को लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है जाते हैं अपने टीचर के पास अपने स्कूल में, एंड स्कूल में उनके जो मैथ्स टीचर थे वे उसकी बातों को थोड़ा सा समझते थे कि ये जो बच्चा है सी समथिंग स्पेशल चाइल्ड, ये कुछ तो स्पेशल बात है इसमें, और इसकी बात उनके मैथ्स टीचर को थोड़ी अच्छी भी लगती थी। बट अल्बर्ट को हिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उनको स्कूल की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाता है और आप अपनी पढ़ाई मैथमेटिक्स में आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि उनका मैथ्स काफ़ी अच्छा था। और अल्बर्ट सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके मैथ्स टीचर को ये बात कैसे पता है। तो फिर वो सोचते हैं कि शायद यही एक टीचर है जो मुझे यहाँ समझते थे और सारी चीज़ें जानते थे। तो उनकी फीलिंग्स को समझते हुए उनके जो टीचर थे उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो हाउएवर ही लीव्स द रूम एंड ऑल्सो लीव्स दैट स्कूल, वो छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। एंड ही डिड नॉट बिड फेयरवेल टू एनीवन, वो किसी को भी फेयरवेल अपनी जाते समय किसी से नहीं मिलते हैं, बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल इन दैट स्कूल, उनका कोई भी वहाँ दोस्त नहीं था। तो वो प्लेस था मुनिच, और मुनिच छोड़ के अपने घर जाने वाले थे। और लास्ट टाइम वहाँ जाने से पहले अपने दोस्त यूरी से मिल के जाता है, और यूरी जो है उसे अपने अच्छे फ्यूचर के लिए गुड विशेस देता है। तो जैसा हमने इस लेसन में देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान साइंटिस्ट है जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, उनका बचपन के स्कूल का टाइम इस तरह का था, जब वो हिस्ट्री पसंद नहीं करते थे और फैक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। थैंक यू।